हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम 3 सितंबर 2022 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो में। चलिए शुरुआत करते हैं। हाल ही में किस प्रदेश की पुलिस फोरेंसिक साक्ष्य के संग्रहण को अनिवार्य बनाने वाली देश की पहली पुलिस बनी है? दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा, गोवा। आंसर है दिल्ली। दिल्ली की पुलिस फोरेंसिक साक्ष्य के संग्रहण को अनिवार्य बनाने वाली देश की पहली पुलिस बनी है। सेकंड, हाल ही में किस बैंक ने कैश बैक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? कैश बैक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किस बैंक ने किया है? PNB, SBI, HDFC, ICICI। तो इसका आंसर है SBI, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसने कैश बैक क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है। हाल ही में संसद टीवी का CEO किसे नियुक्त किया गया है? संसद टीवी का CEO वसुंधरा गुप्ता, मुकुल जैन, उत्पल कुमार सिंह, अनुराग ठाकुर। आंसर है उत्पल कुमार सिंह। इनको संसद टीवी का जो CEO है वो नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव का निधन हुआ है? रूस, जापान, अमेरिका, ब्राज़ील। तो इसका आंसर हो जाएगा रूस। रूस के पूर्व राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव का निधन हुआ है। हाल ही में विश्व जूनियर तैराकी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? अपेक्षा फर्नांडिज, सविता सिंह, मनीषा रुपेटा, इनमें कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ए, अपेक्षा फर्नांडिज विश्व जूनियर तैराकी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। हाल ही में अगस्त महीने में GST संग्रह कितने प्रतिशत बढ़कर 1.43 लाख करोड़ हो गया? 10, 20, 28 या 32। आंसर है 28%। 28% बढ़कर जो GST संग्रह है वो 1.43 लाख करोड़ हो गया। दोस्तों, आपको कमेंट करके ये बताना है GST की फुल फॉर्म क्या होती है। GST की फुल फॉर्म क्या होती है, अगर आप इसका उत्तर जानते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा INS विक्रांत को भारतीय नौसेना को सौंपा है? मुंबई, कोच्चि, विशाखापट्टनम या कोलकाता। आंसर होगा कोच्चि, जो किस राज्य में है? केरल में। केरल के कोच्चि में INS विक्रांत को भारतीय नौसेना को सौंपा गया है। वर्ष 2024 तक दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक वैदिक तारामंडल कहाँ बनाया जाएगा? जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल। आंसर है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में 2024 तक दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक वैदिक जो तारामंडल है वो बनाया जाएगा। किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए काजू इंडिया ऐप लॉन्च किया है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। दोस्तों, जो काजू है वो सबसे ज़्यादा भारत में कर्नाटक में पैदा होता है। किस में? कर्नाटक में। और कर्नाटक में ही जो सरकार है काजू इंडिया ऐप जो है उसको लॉन्च किया है। हाल ही में लोकसभा में कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए कौन सी एक नई भाषा शुरू की है? फ्रेंच, जर्मन, पुर्तगाली, अरबी। आंसर है फ्रेंच। फ्रेंच भाषा को लोकसभा ने कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए नई भाषा के रूप में शुरू किया है। तो दोस्तों, ये थे आज के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सभी क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें विकास सर ऑफिशियल, क्योंकि ऐसी एजुकेशनल वीडियो डेली हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।